स्विट्जरलैंड जाना जाता है उसके माउंटेन्स के लिए, और पूरी कंट्री का लगभग 60% एरिया माउंटेन्स से ही ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे में स्विस एल्प्स देखने के लिए और एक सेंट्रलाइज्ड बेस बनाने के लिए इंटरलॉकन टाउन सबसे परफेक्ट प्लेस है। विद इन 1 or 2 hours फ्रॉम इंटरलॉकन यू कैन रीच ऑलमोस्ट ऑल द माउंटेन्स रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विस इन्फो सीरीज के पिछले 2 episodes में हमने स्विस ट्रेवल पास के बेनिफिट्स के बारे में जाना और ज्यूरिख सिटी को बेस बनाकर 3 से 4 दिन की आइटनरी कैसे प्लान कर सकते हैं ये डिस्कस किया। इस वीडियो में स्विस एल्प्स के बारे में सारी डिटेल्स जानते हैं और इंटरलॉकन को बेस बनाकर कैसे आप अपने टाइम और बजट का मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं ये इस वीडियो के 6 parts में हम जानेंगे। वैसे तो इंटरलॉकन फ्लाइट से पहुंचने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सिटी ट्रेन से काफी अच्छी तरह कनेक्टेड है बाकी सारी स्विस सिटीज से और इवन दूसरी सिटीज से जैसे पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मिलान। यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेन से इंटरलॉकन पहुंचा जा सकता है, और आप कोई भी डायरेक्शन से इंटरलॉकन ट्रेन से आ रहे हो जो व्यूज आते हैं लेक ब्रिंस का और लेक थुन का, दैट इज रियली रियली अमेजिंग। और इस छोटे से टाउन में 2 major train stations हैं, इंटरलॉकन OST और इंटरलॉकन वेस्ट, जो कि एक दूसरे से लगभग 1.5 kilometers के डिस्टेंस पर है। इंटरलॉकन वेस्ट में उतरो, मैं 2 stations आते हैं, लास्ट टाइम वो गलती कर दी थी, तो इंटरलॉकन वेस्ट और इंटरलॉकन OST 2 stations है इंटरलॉकन में। एक लेक थुन की साइड है, एक लेक ब्रिंस की साइड है, और मेरा जो प्लेस है स्टे का वो इंटरलॉकन वेस्ट के पास में, यहाँ से हार्डली वॉक है 400 meters का। अब बात करते हैं कि इंटरलॉकन में क्या क्या कर सकते हैं और फिर बात करेंगे कि इसके आसपास क्या क्या प्लान कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट फेमस एंड ऑल्सो माई फेवरेट थिंग टू डू इन इंटरलॉकन। इंटरलॉकन OST स्टेशन के पास से ही हार्डकुम के लिए वर्टिकल ट्रेन चलती है जो 10 मिनट में इंटरलॉकन के हाईएस्ट माउंटेन पर पहुंचा देती है। यहाँ की रिटर्न टिकट 40 francs की है, और अगर आपके पास स्विस ट्रेवल पास है तो इस टिकट पर 50% डिस्काउंट है। प्लान टू गो हियर ड्यूरिंग सनसेट टाइम, और जिस दिन स्काई क्लियर हो, ज्यादा बादल नहीं हो, एंड देयर इज अ रेस्टोरेंट ऑल्सो अवेलेबल एट द टॉप with good food. You can easily spend good 3 to 4 hours here at the top. इंटरलॉकन से 10 मिनट की बस लेके आप आ सकते हो इस फेरी टेल टाउन में। लेक ब्रिंस के शोर पर बना ये आइलैंड टाउन काफी सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में भी पिक्चराइज हुआ है। इसल वॉल्ट काफी छोटा टाउन है और इसको वॉक करके इजीली कवर कर सकते हैं। इंटरलॉकन से यहाँ शिप से भी पहुंचा जा सकता है और हाफ डे में इसको इजीली कवर कर सकते हैं पूरा। इंटरलॉकन को एडवेंचर कैपिटल ऑफ यूरोप भी बोलते हैं, क्योंकि दिस इज वन प्लेस जहाँ ऑलमोस्ट सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, स्काई डाइव, पैराग्लाइड, कैनोइंग, वाटर स्पोर्ट्स और भी बहुत कुछ। मेक श्योर टू बुक योर एडवेंचर एक्टिविटी इन एडवांस, क्योंकि पीक सीजन के टाइम काफी रश हो जाता है, और आउटडोर इंटरलॉकन यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ 2 lakes हैं, लेक ब्रिंस और लेक थुन। मेक श्योर टू टेक बोट राइड इन दिस लेक, स्पेशली लेक ब्रिंस, और अगर आपके पास स्विस ट्रेवल पास है तो आपके लिए दोनों लेक में बोट राइड बिल्कुल फ्री है। यही बोट राइड से आप लेक ब्रिंस पर बने इस वाटरफॉल को भी कवर कर सकते हैं। बोट स्टॉप से वाटरफॉल तक एक लंबी हाइक है, सो मेक श्योर टू वेयर प्रॉपर फुटवेयर्स टू रीच दिस वाटरफॉल। अगर कासल्स में आपका इंटरेस्ट है तो लेक थुन के एंड में एक कासल है जो बोट और ट्रेन दोनों से पहुंच सकते हैं, और यहाँ 2-3 घंटे स्पेंड कर पूरे कासल की हिस्ट्री भी जान सकते हैं। 15 minutes की बस से आप आ सकते हैं इंटरलॉकन की लेस एक्सप्लोर्ड एरिया में। एक छोटी सी सीनिक हाइक है केव्स के एंट्रेंस तक, जहां रास्ते में वाटरफॉल भी दिखता है और लेक के भी व्यूज हैं। केव्स की एंट्री इज 19 francs, बट एंट्रेंस तक हाइक करना इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। आई रियली लाइक दिस प्लेस एंड वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन। इंटरलॉकन वेस्ट स्टेशन और OST स्टेशन में 1.5 kilometers का डिस्टेंस है, और इसी रास्ते पर वॉक करते हुए इंटरलॉकन का काफी सारा पार्ट देख सकते हैं। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा विक्टोरिया होटल के अंदर बना ये यश चोपड़ा का स्टैचू, और इसी के सामने वो गार्डन है जहां DDLJ मूवी का ये फेमस सीन शूट हुआ था। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ स्विट्जरलैंड और सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस है स्विट्जरलैंड का ही। इंटरलॉकन से यहाँ 1.5 hours में पहुंच सकते हैं। दिस प्लेस ओपन एट 8 AM एंड आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम इंटरलॉकन, क्योंकि बाद में काफी क्राउडेड हो जाता है ये प्लेस। ऑल्सो यू कैन प्लान टू गो टू दिस माउंटेन फ्रॉम 1 direction एंड रिटर्न फ्रॉम अनदर डायरेक्शन विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ट्रेवल टिप, यहाँ टॉप पर ऑक्सीजन थोड़ी कम है, सो मेक श्योर टू सी एवरीथिंग हियर एट स्लो पेस।
स्विट्जरलैंड के बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है ये टाउन, और यहाँ 30 मिनट्स में ट्रेन से इजीली पहुंचा जा सकता है इंटरलॉकन से। इस टाउन की सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है ग्रिंडरवॉल्ड फर्स्ट, जहाँ एक केबल कार आपको ये क्लिफ वॉक पर लेके जाती है, और यहाँ चलना अपने आप में एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज के ऑप्शन है, जिनमें से आप अपनी पसंद की एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक कम्बाइन पैकेज बना सकते हैं केबल कार को इंक्लूड करके। और यहाँ खूब सारे हाइकिंग के ऑप्शंस भी हैं। मैंने भी ऊपर केबल कार से जाके नीचे हाइक करके आने का डिसाइड किया था, जिसमें लगभग 3 घंटे लगे थे मुझे। जर्मेट स्विट्जरलैंड का एक ऐसा टाउन है जहाँ कार्स अलाउड नहीं है और सिर्फ ट्रेन से ही पहुंचा जा सकता है। स्विट्जरलैंड के सदर्न मोस्ट पार्ट में सिचुएटेड है जर्मेट, और इंटरलॉकन से यहाँ आने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। सो लीव अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम इंटरलॉकन बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स टू डू इन दिस टाउन, लाइक गोइंग टू द फेमस मैटरहॉर्न माउंटेन बाय केबल कार। ये वो माउंटेन है जो टॉब्लेरोन चॉकलेट के रैपर पर भी है। इसके अलावा यहाँ पर काफी म्यूजियम्स हैं, जिनकी आपके स्विस ट्रेवल पास के साथ फ्री एंट्री है। यहाँ एक व्यू पॉइंट है स्टेशन से 10 मिनट की वॉक पर, जो पूरे जर्मेट और मैटरहॉर्न को देखने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। जर्मेट टाउन में वॉक करने का भी एक अलग मजा है, और वहीं ये विलेज भी कनेक्टेड है टाउन से, जहाँ स्विट्जरलैंड का एंशियंट कल्चर भी देखा जा सकता है। इंटरलॉकन से 20 मिनट्स की दूरी पर है ये 72 वाटरफॉल से घिरा हुआ वैली टाउन लॉटरब्रुनन। वैसे तो सिर्फ लॉटरब्रुनन पर एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, बट इंटरलॉकन से डे ट्रिप के लिए भी एक परफेक्ट प्लेस है ये। यहाँ दो मेन वाटरफॉल है, ट्रमल बैक जो यहाँ का लार्जेस्ट वाटरफॉल है और यहाँ की एंट्री 12 फ्रैंक्स है। एक दूसरा वाटरफॉल भी है जिसके पीछे हाइक करके पहुंच सकते हैं और कुछ ऐसा व्यू मिलता है यहाँ से। लॉटरब्रुनन स्टेशन के सामने से ये केबल कार जाती है म्यूरेन टाउन के लिए, जहाँ से जेम्स बॉन्ड वाला शेलहॉर्न माउंटेन भी जा सकते हैं, या फिर लॉटरब्रुनन से ही कॉकविल ट्रेन लेकर जा सकते हैं दूसरे माउंटेन टॉप पर, जहाँ वेंगन टाउन सिचुएटेड है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर है ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, और यहाँ लैंग्वेज भी फ्रेंच बोली जाती है। इंटरलॉकन से यहाँ 2.5 आवर्स की ट्रेन से पहुंच सकते हैं, और रास्ते में ही मॉन्ट्रियो में रुककर वहाँ का फेमस कासल भी कवर कर सकते हैं। लेक जेनिवा में ही हाईएस्ट फाउंटेन है स्विट्जरलैंड का, और यहाँ बोट राइड करके फ्रांस के मोंट ब्लैंक माउंटेन्स के भी नज़ारे देख सकते हैं। ये स्विट्जरलैंड की हिस्टोरिक सिटी 1 आवर दूर है इंटरलॉकन से, और इसके आसपास काफी सारे पॉपुलर माउंटेन्स भी हैं, जैसे माउंट पिलाटस, माउंट टिटलिस, रिगी माउंटेन्स, स्टेंसरहॉर्न। लूसन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो इस वीडियो के बाद आने वाला है, जो यहाँ की छोटी बड़ी सारी डिटेल्स कवर करेगा। बॉलीवुड मूवी DDLJ के बहुत सारे सीन्स इसी टाउन में और इसके आसपास के एरिया में शूट हुए हैं। इंटरलॉकन से 2 घंटे में यहाँ आ सकते हैं, और इस टाउन में सिर्फ और सिर्फ वुडन शैलेस बने हुए हैं। यहाँ के शॉप्स, बेकरीज, होटल्स, हाउसेस सब शैले के अलग अलग डिजाइन्स में बने हुए हैं। यहाँ से 10 मिनट दूर है सानिन, जहाँ इस ब्रिज पर DDLJ मूवी का फेमस सॉन्ग शूट हुआ था। इंटरलॉकन में स्विट्जरलैंड के किसी भी सिटी से ज्यादा स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पूरे 12 महीने टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर हॉस्टल्स, एयरबीएनबीज, होटल्स, कैंपिंग ग्राउंड सबके काफी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर चीपेस्ट हॉस्टल 35 फ्रैंक से चालू होता है, और वहीं एयरबीएनबी या होटल 100 फ्रैंक से। आई स्टेड इन दिस हॉस्टल नेम्ड एल्प लॉज, विच हैड परफेक्ट लोकेशन विद द व्यू ऑफ दिस वाटर स्ट्रीम। इंटरलॉकर में मैंने 6 दिन बिताए, और मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि जितने इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उतने यूरोप के किसी पार्ट में ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और यहाँ के फूड ट्रक्स भी काफी पॉपुलर हैं, और बेस्ट पार्ट है कि ये रेस्टोरेंट्स और फूड ट्रक्स इवन रात के 11 बजे तक भी खुले रहते हैं। If you plan to stay in Interlochen, then here is the total cost as a couple and as a solo traveler. अगर आप स्विट्जरलैंड में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या इवन 20th टाइम भी आ रहे हैं, तो इंटरलॉकन और यहाँ के माउंटेन्स आपके स्विट्जरलैंड आइटनरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इफ यू प्लानिंग 7 डेज ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, देन आई वुड सजेस्ट टू डिवाइड द ट्रिप इन 2 पार्ट्स, स्टे इन इंटरलॉकन फॉर 4 डेज एंड 3 डेज इन ज्यूरिक। After watching this video, if you have any suggestion regarding this itinerary, या फिर if I have missed some important information regarding Interlochen, then do let me know in comments. Next video will be regarding Lucerne itinerary. तो जल्दी मिलते हैं Swiss Info Series के अगले episode में।